दोस्तों फाइनली आईपीएल 2021 के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है ट्रेड विंडो की तरफ से, दूसरी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के प्री ऑक्शन प्लेइंग 11 को लेकर के, तीसरी अपडेट है मोहम्मद नबी के ट्रेड के ऊपर, और भी कई सारी बड़ी बड़ी अपडेट आईपीएल 2021 के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऑल ओवर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी आईपीएल देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में उस बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप किसी भी क्रिकेट मैच का 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टोनी भाई के साथ कांटेक्ट जरूर करें। उनका सभी डिटेल्स वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की जो हमारी पहली बड़ी अपडेट है वो आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के नए जर्सी की तरफ से, जहाँ पर चेन्नई के जर्सी का टाइटल स्पॉन्सर बदल चुका है और चेन्नई ने नया टाइटल स्पॉन्सर अनाउंस कर दिया है, और ये टाइटल स्पॉन्सर 3 सालों तक चेन्नई के जर्सी पर रहने वाला है। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है सनराइजर हैदराबाद के टारगेट प्लेयर्स की तरफ से, जहां पर हैदराबाद की टीम मुख्य रूप से दो बड़े इंडियन ऑलराउंडर्स को टारगेट करेगी, जिसमें पहला बड़ा नाम है शिवम दुबे का, वहीं दूसरा बड़ा नाम है कृष्णप्पा गौतम का। तो इन दोनों प्लेयर्स को मिनी ऑक्शन में सनराइजर हैदराबाद की टीम टारगेट करेगी, और इन दोनों में से किसी न किसी एक प्लेयर को अपने स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है ऑक्शन कंडक्ट करने वाले पर्सन की तरफ से, जहां पर हर एक साल ऑक्शन में किसी न किसी एक आदमी के द्वारा पूरे ऑक्शन को कंडक्ट किया जाता है, और इस पर्सन का पिक्चर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। और आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन के लिए भी ह्यूग एडमर्ड्स को ही इनवाइट किया गया है, और ये पर्सन ही आईपीएल के मिनी ऑक्शन को कंडक्ट करेगा, और इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट है किंग्स 11 पंजाब की तरफ से, और पंजाब के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है, जहां पर किंग्स 11 पंजाब के धाकर ओपनर क्रिस गेल ने अबू धाबी टी10 लीग में महज 22 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली, और इस दौरान उन्होंने काफी सारे छक्के लगाए हैं। तो आईपीएल के स्टार्ट होने से पहले क्रिस गेल अपना ट्रेलर दिखा चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है दिल्ली कैपिटल्स के ट्रेड प्लेयर्स की तरफ से, जहां पर दिल्ली की टीम आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेड विंडो में मुख्य रूप से 3 प्लेयर्स को टारगेट करना चाहती है, जिसमें पहला बड़ा नाम है क्रिस लिन का, दूसरा बड़ा नाम है लुंगी एनिगिडी का, वहीं तीसरा बड़ा नाम है डेविड मिलर का। तो इन तीनों प्लेयर्स को दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल के ट्रेड विंडो में टारगेट करेगी, और इनमें से किसी न किसी एक प्लेयर को अपने स्क्वाड में ट्रेड कर सकती है, और इस बात की रिपोर्ट क्रिक ट्रैकर की तरफ से निकल करके सामने आई है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट है मिचेल स्टार्क की तरफ से, जहां पर स्टार्क के ऊपर मुख्य रूप से 3 टीमें बोली लगाने वाली है, जिसमें पहली बड़ी टीम है मुंबई इंडियंस की, क्योंकि इस टीम ने कुल्टर नाइल को बाहर किया है, तो उसके स्थान पर स्टार्क को मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम है किंग्स 11 पंजाब का, और ये टीम भी मिचेल स्टार्क को मिनी ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का। तो ये तीनों टीमें आईपीएल 2021 के मिनी ऑक्शन में मिचेल स्टार्क को काफी बेहतरीन तरीके से टारगेट करेगी, और मिचेल स्टार्क के ऊपर 8 से 10 करोड़ तक की बिडिंग कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग स्टार्क को किस टीम में जाना चाहिए, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के प्री ऑक्शन प्लेइंग 11 को लेकर के, जहां पर मैंने एक
शानदार प्लेइंग 11 बनाया है, जिसमें इस टीम के लिए ओपनिंग करेंगे फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़, तीसरे नंबर पर सुरेश रैना, चौथे नंबर पर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवें नंबर पर एमएस धोनी, छठवें नंबर पर सैम करन, सातवें नंबर पर जडेजा, आठवें नंबर पर ड्वेन ब्रावो, नौवें नंबर पर शार्दुल ठाकुर, दसवें नंबर पर दीपक चाहर, वहीं ग्यारहवें नंबर पर करण शर्मा। तो चेन्नई का प्लेइंग 11 आईपीएल 2021 में कुछ इसी प्रकार का हो सकता है। तो आप अगली वीडियो में किस टीम का प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट आ रही है मोहम्मद नबी के ट्रेड को लेकर के, जहां पर हैदराबाद की टीम ने मोहम्मद नबी को ट्रेड के लिए आगे कर दिया है। और ऐसे में आरसीबी की टीम इस ट्रेड में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और आईपीएल के मिनी ऑक्शन से पहले मोहम्मद नबी को आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है, क्योंकि इस टीम से मोइन अली और क्रिस मॉरिस जैसा दो विदेशी ऑलराउंडर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। तो इस वजह से आरसीबी की टीम मोहम्मद नबी को ट्रेड करना चाहती है। और हाल ही में चल रहे बिग बैश लीग में मोहम्मद नबी काफी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो इस वजह से आरसीबी की टीम इस प्लेयर को अपने स्क्वाड में ट्रेड करना चाहती है। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी अपडेट है कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑक्शन स्ट्रेटेजी को लेकर के, जहां पर इस टीम के पास सबसे कम पर्स बैलेंस है, और इस टीम के पास सिर्फ 10.75 करोड़ का पर्स है, और केकेआर की टीम आईपीएल के मिनी ऑक्शन में सिर्फ दो विदेशी प्लेयर को खरीद सकती है। तो ये टीम अपने स्क्वाड में एक बेहतरीन विदेशी ओपनर को तलाश रही है जो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग कर सके, वहीं दूसरा तलाश है आंद्रे रसेल के बैकअप का। तो इन दो टाइप के प्लेयर्स को आईपीएल के मिनी ऑक्शन में टारगेट करेगी, जहां पर बेन कटिंग को केकेआर की टीम अपने स्क्वाड में इंक्लूड कर सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग केकेआर को कौन से दो बड़े प्लेयर्स को खरीदना चाहिए, आप अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी अपडेट है इंडिया इंग्लैंड के पहले टेस्ट को लेकर के, जहां पर कल यानी कि 5 फरवरी से भारत और इंग्लैंड का पहला टेस्ट मैच सुबह 9:30 बजे से चेपक में स्टार्ट होने वाला है। और इसके लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो इसका लाइव स्ट्रीमिंग आप स्टार स्पोर्ट्स की नेटवर्क पर देख सकते हैं, वहीं मोबाइल फोन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंडिया इंग्लैंड सीरीज के सभी मैचों का लाइव स्ट्रीमिंग किया जाएगा। तो यही था आज के दिन में क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड कुल 10 बड़ी अपडेट। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही में क्रिकेट प्रेडिक्शन के लिए टॉनी भाई के साथ कॉन्टैक्ट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।